सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी एनालिसिस 8th ऑफ जून के लिए, राइट? सो आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी मस्त चल रही होगी आपकी। तो जनरल स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर पीडीएफ चाहिए इसकी तो उसको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, राइट? सो अपन अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज अपने पास एडिटोरियल्स ही हैं मोस्टली, राइट? इतने दिनों से, काफी दिनों से अपन देख रहे थे कि शॉर्ट न्यूज़ अच्छी आ रही थी, अब एडिटोरियल्स अच्छे आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि अब अपने मेंस की तैयारी आराम से अच्छी हो रही है, राइट? सो अपना फर्स्ट टॉपिक कहता है द क्रॉप शॉर्टेज कुड एग्जैजरेट इन्फ्लेशन फॉलोइंग एमएसपी इंक्रीज। क्रॉप शॉर्टेज क्या कर सकता है? इन्फ्लेशन बढ़ा सकता है और एमएसपी इंक्रीज करा सकता है, राइट? तो अपने भी देखना है। अभी रिसेंटली थोड़ा सा एमएसपी भी इंक्रीज भी हुआ है, तो चीज के बारे में भी देखेंगे कि स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होता है फूड प्राइसेस का, ठीक है? रिकमेंडेशन फार्मर्स को मिलता है तो उसका दोनों का लिंक कैसे है, ठीक है? इन अ बिड टू इनकरेज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज हाइक द एमएसपी फॉर पैडी पल्सेस इन द ऑयल सीड्स फॉर ऑल मैंडेटेड खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया है, याद है आपको? तो खरीफ क्रॉप्स के बारे में आपको क्या क्या याद है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, राइट? सो अपन देखते हैं कि की पॉइंट्स क्या क्या हैं इसके। द एमएसपी is the rate at which the government purchases crop from the farmers and is based on a calculation of at least 1.5 times the cost of production incurred by the farmers. ठीक है, जैसे कि आपने 100 रुपए में प्रोड्यूस किया तो 1.5 तो मोस्टली होता ही है, लाइक आपको 150 मिलने ही चाहिए, राइट? 50% तो आपकी कमाई होनी ही चाहिए इसमें, ये एमएसपी का कहना है। एमएसपी की कई बार अपन इतने इस चीज को इजी पढ़ लेते हैं लेकिन अपन उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं एमएसपी की डेफिनेशन लेके आया हूँ आपके लिए कि एमएसपी अगर आपको दिखे तो आप आराम से उसको बता पाए। एमएसपी इज अ मिनिमम प्राइस फॉर एनी क्रॉप दैट द गवर्नमेंट कंसीडर्ड एज रेम्यूनरेटिव फॉर फार्मर्स एंड हेंस डिजर्विंग फॉर सपोर्ट। तो एमएसपी वो होती है जहाँ पे गवर्नमेंट ही सोचती है कि हाँ ये फार्मर्स के लिए बिल्कुल एक सही प्राइस रहेगी सपोर्ट करने के लिए, राइट? तो मैं ये लेके आया हूँ आपके लिए कि कौन से क्रॉप्स हैं एमएसपी के अंदर, राइट? फेवरेट क्वेश्चन है एपीसी का, तो वो पूछता रहता है। अपन देखते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस सीएसीपी रिकमेंडेड एमएसपी फॉर 22 मैंडेटेड क्रॉप्स एंड फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगर कीन, ठीक है? तो 22 मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए एमएसपी को दिया जाता है और शुगर कीन के लिए फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, आने वाले 2024 के प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीएसीपी इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसकी ये मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, यूपीसी यहाँ पे क्या करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ, बताएं जल्दी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कर देगा, राइट? द मैंडेटेड क्रॉप्स इंक्लूड 14 क्रॉप्स ऑफ द खरीफ सीजन, 6 रबी क्रॉप्स एंड 2 अदर कमर्शियल क्रॉप्स। तो देखिए कैसे डिफरेंशिएटेड है, राइट? 22 क्रॉप्स हैं उसके अंदर, उसमें 14 खरीफ सीजन की हैं, 6 रबी हैं और 2 कमर्शियल क्रॉप्स हैं, राइट? इनकी एक बार आप लिस्ट देख लीजिएगा। 2022 में रिसेंटली एमएसपी पे क्वेश्चन पूछा, फिर 2020 में पूछा, राइट? फिर उसके बाद जाके आपसे 2018 में पूछा, तो आप ये देखिए हर दो दो साल में क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। इन एडिशन द एमएसपी ऑफ तुराई एंड डी हर्ब्स कोकोनट आर फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एमएसपी ऑफ रेप सीड मस्टर्ड एंड द कॉपर रेस्पेक्टिवली। तो एमएसपी तुराई और डी हर्ब्स कोकोनट पर फिक्स की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, राइट? फैक्टर्स फॉर रिकमेंडेशन ऑफ एमएसपी, फैक्टर्स क्या होते हैं जब अपन ये देखते हैं कि एमएसपी अपन को रिकमेंड करना है। तो सीएसीपी कंसीडर वेरियस फैक्टर्स फॉर रिकमेंडिंग द एमएसपी फॉर अ कमोडिटी इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो जो आपकी कल्टीवेशन की कॉस्ट आई है उसको भी एमएसपी आपकी कंसिडरेशन में लेता है जब उनको कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है, राइट? सो इट टेक्स इन टू अकाउंट द सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन, it takes into account and supply demand situation of the commodity, market price trends, domestic and the global parity, ठीक है? दूसरे ग्रुप से उसकी parity क्या चल रही है, implications for consumers, inflation होगा क्या अगर ज़्यादा increase किया जाता है, environment पे कुछ ज़्यादा effect तो नहीं आएगा, like जैसे अपन देखते हैं कि अभी अपन rice पे subsidy देते हैं, right? लेकिन क्या हो रहा है आजकल पंजाब और हरियाणा जहाँ पे grow नहीं होनी चाहिए वहाँ पे भी grow हो रही है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे irrigation में अपन छूट दे रखी है, right? ये सारी चीज़ों में अपन छूट दे रखी है। इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, तो ये वेरियस फैक्टर्स। अब ये देखिए जो ये सारे फैक्टर्स है ना ये आप दूसरे आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आप कौन सा फैक्टर्स कहाँ पे यूज कर रहे हैं, कहाँ आप ज्यादा मार्क्स उठा पाएंगे, राइट? तो एमएसपी के बारे में आज इतना ही जानेंगे, लेकिन
थोड़ा सा और जानने को है अपने पास, थ्री काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब ए टू क्या होता है, राइट, ए टू, ए टू प्लस एफ एल, ठीक है, मतलब लाइक एफ एल मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है एमएसपी के हाइक का, इश्यूज क्या क्या है उसके हाइक से, राइट, एमएसपी में एज अ होल इशू क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, राइट. तो ये सारे के सारे मैं थोड़ा सा और सोच रहा हूँ कि एक बार आपका एमएसपी का और टॉपिक आए तो अपन उसको कवर कर लेंगे, राइट. जैसे कि आज मैंने आपको बताया कि कौन से कौन से क्रॉप्स आते हैं, फैक्टर्स क्या क्या हैं जिसकी बेसिस पे अपन उसको रिकमेंड करते हैं, राइट, एमएसपी होता क्या है, ठीक है. तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल. तो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है, हाउ कैन वी ट्रांजिशन टू अ लो कार्बन सिटी. कल मैंने आपको क्या बताया था, क्या चल रहा है, एनर्जी ट्रांजिशन चल रहा है, राइट, एनर्जी ट्रांजिशन, फिर उसके बाद लो कार्बन ट्रांजिशन. तो ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एनर्जी कार्बन सब एक दूसरे से रिलेटेड है. GS3 का टॉपिक पूरा का पूरा आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है और स्टैटिक अच्छे से किया है, राइट. अब ये देखिए अब इसमें क्या क्या आएगा अपन देखते हैं, कार्बन मार्केट के बारे में, कार्बन यूटिलाइजेशन के बारे में, कार्बन ट्रेडिंग के बारे में, राइट, इसके बाद जाके कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में. तो ये सारे के सारे रिलेटेड जो भी अपन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कार्बन से रिलेटेड, ये सारे के सारे क्या है, कार्बन को कम करने के लिए, जिससे जो अपने एनवायरमेंट में बढ़ चुका है, राइट, तो उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसको कम करने का तरीका क्या है, लो कार्बन. कार्बन कम होगा तो पॉल्यूशन अपने आप खत्म होने लगेगा धीरे धीरे, राइट. तो अपन अब देखते हैं अपन को क्या बताया गया है. एज ग्लोबल वार्मिंग एक्सेलरेट्स द सोसाइटी कंटिन्यूज टू इमिट ग्रीनहाउस गैसेस, जो मैंने आपको बताया, द आइडिया इज गेनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग आर्टिफिशियल टेक्निक्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. तो इसका आइडिया क्या है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, जो मैंने आपको बताया है. अकॉर्डिंग टू द IPCC, इंडिया नेशंस में नीड टू रिमूव बिटवीन 100 बिलियन टू 1 ट्रिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर टू अवॉइड द मोस्ट वर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज फार मोर देन कैन बी ऑब्जर्व बाय सिंपली प्लांटिंग मोर ट्रीज. ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपन कैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं ट्रीज को या दूसरे तरीके से, ठीक है. आपके एनवायरमेंट जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपके एनवायरमेंट बुक में बताया जाता है. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज द लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन इन प्लांट्स, सॉइल, जियोलॉजिक फॉर्मेशंस एंड द ओशियंस. तो कार्बन कहाँ कहाँ सिक्वेस्ट्रेशन किया जा सकता है, ये सारी जगह किया जा सकता है, राइट. इस चीज का ध्यान रखें. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन 2023 के प्लेन्स में जस्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अभी आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, राइट. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन, MSP, ये सारे के सारे आपसे 2023 में वापस पूछे गए. तो ये सारे के सारे फिक्स टॉपिक्स हैं जो UPSC हमेशा पूछता रहेगा, तो आपको इनके बारे में ध्यान होना चाहिए. अब आप एक UPSC क्वेश्चन बना देखिए, इन सारी जगह पे होता है लेकिन एक जगह नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह नहीं हो रहा है या कौन कौन सी जगह होता है, राइट. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ऑकर्स बोथ नेचुरली एज अ रिजल्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड टिपिकली रेफर्स टू द स्टोरेज ऑफ कार्बन. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैसे होता है, नेचुरली भी होता है, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का रिजल्ट भी है, ठीक है. फिर अपन क्या करते हैं, इसका स्टोर करने की कोशिश करते हैं. तो ये था जो अपने को थोड़ा सा कार्बन के बारे में पता होना चाहिए. लेकिन कुछ चीजें और मैंने आपकी सोच रखी कि आपको और क्या क्या पता होना चाहिए. जैसे कि ये सब तो अपन ने कुछ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा, लेकिन इसके टाइप्स भी होते हैं, तो वो टाइप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. टाइप्स कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ एक बार. जैसे कि टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं, जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ओशन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. अगर आपको यही पॉइंट को अपने मेंस के आंसर्स में लिखना है तो आप इसको ऐसे डिवाइड करके लिखेंगे ना, तो आप इजीली अपने आंसर्स में मार्क्स पा पाएंगे, राइट. फिर अपन ये जान सकते हैं कि उसके कौन से मेथड्स होते हैं, लाइक जैसे एक तो नेचुरल मेथड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ओशियंस, अर्थ, एनिमल्स, ये सब. उसके बाद जाके अपन चिमनीज वगैरह ये सब आर्टिफिशियल में कर सकते हैं, राइट. लेकिन कुछ चैलेंजेस है अपन वो भी देखते हैं. जैसे कि अपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी की अभी कमी है बहुत, राइट, अपने यहाँ टेक्नोलॉजी अभी तक पूरी वर्क नहीं कर पाई है, मतलब टेक्नोलॉजी पूरी डेवलप नहीं है, हाई कॉस्ट, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, राइट. अपन जब पोटेंशियल देखते हैं कि आर्टिफिशियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का क्या है, तो हाँ भाई उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है. फास्टर सिक्वेस्ट्रेशन हो सकता है क्योंकि अपन आर्टिफिशियल है, तो अपन डिसाइड कर सकते हैं किस रेट पे सिक्वेस्ट्रेशन होना चाहिए, राइट. तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे.
तो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है सेडिशन इलॉजिकल इक्वेशन ऑफ गवर्नमेंट विद स्टेट। ठीक है, तो देखिए द रिटेंशन ऑफ सेडिशन गोज अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ करंट थिंकिंग। तो सेडिशन इस साल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर हफ्ते में एक टॉपिक सेडिशन के ऊपर आता ही है, आर्टिकल आता ही है। तो ये डेफिनेशन तो आपको लर्न हो जानी चाहिए, मैंने आपको इतनी बार करा दी है। इट डिफाइंस सेडिशन एज एन ऑफेंस कमिटेड व्हेन एनी पर्सन बाय वर्ड्स अदर स्पोकन और रिटन और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग हेटेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट्स द अटेम्प्ट्स एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो ये सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी डिफाइंस सेडिशन एज एन ऑफेंस। तो आप ये डायरेक्टली लिख के आएंगे, राइट। Disaffection includes disloyalty and all feelings of enmity. However, comments without exciting or attempting to excite hatred or contempt or disaffection will not constitute an offense under this section. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। आने वाले अपन जजमेंट्स भी देखेंगे कि क्या क्या जजमेंट्स हो चुके हैं अभी तक सेडिशन लॉ से। आज ही मैंने आपके लिए वो सारी चीजें इंक्लूड करी हैं। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं कि पनिशमेंट क्या होती है ऑफेंस की, मतलब सेडिशन अगर है तो उसकी ऑफेंस की पनिशमेंट क्या है। Sedition is a non-bailable offense. Punishment under Section 124A ranges from imprisonment up to 3 years to a life term, which may be a fine, may be arrest. तो ये non-bailable offense होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, right? A person charged under this law is barred from a government job. तो अगर कोई person इसके अंदर charged है तो क्या होता है? Government job से barred होता है, right? मतलब उसको government job नहीं मिलेगी अब। They have to live without their passport and must produce themselves in court at all times when required. तो आप ये देखिए, अगर किसी को सेडिशन लॉ लग गया है तो उसको कितने हार्श लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो मेजर सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस देखते हैं अपने क्या क्या हैं अपने पास। In 1962, Supreme Court decided on the constitutionality of Section 124A in Kedarnath Singh versus State of Bihar. क्या करना है यहाँ पे? जजमेंट याद कर लेनी है। डायरेक्ट मेंस के आंसर में अगर सेडिशन आया तो ये आपके आंसर में होनी चाहिए। इट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ सेडिशन बट लिमिटेड एप्लीकेशन टू एक्ट्स इन्वॉल्विंग इंटेंशन और टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इंसाइटमेंट टू वायलेंस, राइट। तो इन्होंने थोड़ा सा इस केस के बाद थोड़ा सा इस पे ब्रेक लाने की कोशिश करी है। इट डिस्टिंग्विश दिस फ्रॉम वेरी स्ट्रॉन्ग स्पीच और द यूज ऑफ वेरियस वर्ड्स स्ट्रॉन्गली क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग स्पीच और वेरियस वर्ड्स के बीच में डिफरेंसेस लाया गया है कि अगर आपको पता लगाना है कि सेडिशन है या नहीं है तो आप पता लगा सकते। इन 1995 द सुप्रीम कोर्ट इन बलवल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हेल्ड दैट मेयर स्लोगनिंग वेयर व्हिच इवोक्ड नो पब्लिक रिस्पांस डिड नॉट अमाउंट टू सेडिशन। तो अगर आप स्टेज पे जाके चिल्ला रहे हैं और आपको पब्लिक सुन के एक्साइट नहीं हो रही है तो आपको सेडिशन में चार्ज नहीं किया जाएगा, राइट। इस चीज का ध्यान रखें। तो अब ये देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स क्या है इसके सपोर्ट में। कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कुछ इसके अगेंस्ट में होंगे, कुछ इसके वे फॉरवर्ड्स होंगे, राइट। सो सबसे पहले इसका ये आर्ग्यूमेंट है कि ये ब्रिटिश के टाइम लाया गया था, राइट। ये ब्रिटिश के टाइम लाया गया था तो ये क्या है, एंटी नेशनल टेररिस्ट एलिमेंट्स को। एक तो ये, चलिए मैं आपका वो बनाया था, ब्रिटिश के टाइम लाया गया था तो उनकी लेगेसी है, राइट। आज के टाइम में रिलेवेंट है नहीं, अपने को देखना चाहिए। उसके बाद ये एंटी नेशनल सेसेशनिस्ट टेररिस्ट एलिमेंट्स को रोकने में मदद करता है, वो अपने को ध्यान होना चाहिए, राइट। तो ये जब ब्रिटिश ने लाया था तो ये ऑपरेस करने के लिए लाया था इंडियंस को, राइट। तो उस चीज का आप ध्यान रखें। लेकिन आज क्या है, आज ये इंसर्जेंसी और पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन को रोकने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप थोड़ा थोड़ा तीन तीन चार चार आर्ग्यूमेंट्स दीजिए दोनों साइड में, आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट, आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट, राइट। तो आप इजीली इस चीज को आंसर आउट कर पाएंगे। अब अपन इसके वे फॉरवर्ड देख लेते हैं, इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है अपने लिए, राइट। तो इसकी जो डेफिनेशन है सेडिशन की उसको अपन को थोड़ा सा नैरो डाउन करना चाहिए। इसमें काफी जने अभी भी इंक्लूड होते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। जब इसको अपन इसको अप्लाई कर रहे हैं सेडिशन लॉ को तो उसको कॉशन के साथ अप्लाई करना चाहिए, ना कि कोई ऐसा इनोसेंट पर्सन उसमें फंस जाए, राइट। सेक्शन 124 को अपने कर्ब ऑफ स्पीच के लिए नहीं होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच अपने पास आर्टिकल 19 में, राइट, आपको कोई ध्यान है। तो उसको रोकने के लिए यूज ना किया जाए, राइट। डेमोक्रेसी डायरेक्ट स्पीच से बनती है तो आपकी स्पीच को हमेशा आजादी देनी चाहिए, ये अपने वे फॉरवर्ड में डाल सकते हैं। आप अपने टेबल लिख सकते हैं कि हाँ भाई आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर
आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, तो ये आप अपने जैसे ही टेबल बनाएंगे तो आप इजिली आंसर आउट कर पाएंगे। चलिए अब चलते हैं अपने लास्ट आर्टिकल पे। आज अपने पास चारों एडिटोरियल्स थे, लेकिन चारों एडिटोरियल्स अपने मेन से रिलेवेंट है, राइट। सो अपना लास्ट आर्टिकल कहता है गिविंग वॉइस टू द एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी एंड अदर्स हु नीड विजिबिलिटी। Pride Month is observed in June to commemorate the 1960 Stonewall riots. The U.S. as the events begin, the article explores that talks about the various facets of the queer experience. ठीक है, तो आज अपन देखेंगे एलजीबीटी के स्टेटस क्या है इंडिया में, राइट। अगर अपने को और वर्क करना है तो अपन कैसे वर्क कर सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What is the status of LGBT community in India? The National Legal Services Authority versus Union of India 2014. तो क्या करना है आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पे ये केस याद कर लेना है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली आंसर आउट कर पाएंगे। दिस एससी ऑब्जर्व्ड दैट द रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स एज अ थर्ड जेंडर इज नॉट अ सोशल और मेडिकल इशू बट अ ह्यूमन राइट इशू। तो देखिए कितनी अच्छी डेफिनेशन है, आप डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं। नवजीत सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018, द एससी डिक्रिमिनलाइज्ड ह्यूमन सेक्सुअलिटी बाय स्ट्राइकिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ द सेक्शन 377 of the Indian Penal Code, which were held violative of the fundamental rights of the LGBTQ community. So, this is what you should The SC held that Article 14 of the Constitution guarantees equality before the law. This applies to all classes of citizens, thereby restoring the inclusiveness of the LGBTQ community. Right? It also upheld that the preeminence of the constitutional morality in India by observing the equality before the law cannot be denied by giving precedence to public or religious morality. Right? So, ऐसा नहीं है कि आप उनकी इक्वालिटी को अलग करोगे ये बोल के कि भाई पब्लिक मोरालिटी डिस्टर्ब हो रही है, राइट। तो अपन देखते हैं, चलिए आपको क्या पता पड़ा, आर्टिकल 14 इंसुलेटेड केसेस, राइट। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आपके आंसर्स में यूज करेंगे। अपन थोड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन देखते हैं या प्रिंसिपल्स देखते हैं जो अपने को थोड़ा सा एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो द एससी स्टेटेड दैट द युगप्ता प्रिंसिपल्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ in relation to the issues of sexual orientation and gender identity should be applied as a part of Indian law. So, UPC kya karega? Yugapta principle. Samne kya kar dega? Climate change. Nahi. To kya hoga? LGBT community se unke rights se related hai. Right? To is cheez ka aapko dhyan rakhna. Yugapta principle recognizes freedom of sexual orientation and gender identity as a part of human rights. They were outlined in 2006 in Indonesia by distinguished groups of international human rights experts, right? So, is cheez ka thoda sa dhyan rakhein. Transgender Persons Protection of Rights Act 2019. The Parliament has passed the Transgender Persons Protection of Rights Bill 2019, which has been criticized for its poor understanding of gender and sexual identity. Dekhiye, ye bill to aaya hai, lekin isko kya kiya gaya hai? Iski poor understanding, matlab isne as a whole holistic approach nahi apply kari hai, right? इन चीजों को देखने के लिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी पड़ेगी जब अपन इनके बारे में पढ़ते हैं, राइट। इनके बारे में स्पेशल नहीं है, डिफरेंट पर्सन है दोस्तों, राइट। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना चाहिए, आप इनको कैसे ट्रीट करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रखता है, राइट। तो आपको आज क्या क्या जानने को मिला, आज आपको जजमेंट्स जानने को मिले, राइट, कुछ प्रिंसिपल जानने को मिले, आर्टिकल्स कौन से जो इनसे डायरेक्टली रिलेट कर सकता है, राइट। गवर्नमेंट अब एक्ट लेके बिल लेके आई थी लेकिन वो बिल में कुछ प्रॉब्लम्स है तो बिल में गवर्नमेंट वापस काम करेगी, राइट। तो अपन चलते हैं अपने मीन्स के क्वेश्चंस पे। तो अपना मीन्स का क्वेश्चन कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड हाउ विल एमएसपी रिड्यूस द फार्मर्स फ्रॉम द लो इनकम ट्रैप। तो बताएंगे एमएसपी की डेफिनेशन, स्टार्टिंग में कराई थी आपको, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे, राइट। उसके बाद आप बताओ कि ठीक है एमएसपी कैसे लो इनकम ट्रैप को हटा सकता है। तो एमएसपी की डेफिनेशन लिखो, हेडिंग डालो रिमूविंग लो इनकम ट्रैप, तो कैसे मदद करेगा कि भाई हाँ भाई स्टेबलाइज देता है आपको, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, राइट। उसके बाद एक और हेडिंग दो कि हाँ भाई अभी क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, राइट। उसके बाद कंक्लूजन प्रोवाइड करो, तो आपका मेन आंसर रेडी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुड बी द परसीड ऑफ कार्बन क्रेडिट्स एंड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सेट अप अंडर यूएनएफसीसी टू बी मेंटेन इवन इफ देयर हैज बीन अ मैसिव स्लाइड इन द वैल्यू ऑफ कार्बन क्रेडिट डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एनर्जी नीड फॉर इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखिए कार्बन एनर्जी दोनों को रिलेट करके पढ़ना है आपको कि कैसे रिलेट हो रहे हैं, राइट, कैसे आप इन चीज़ के इजिली आंसर आउट लिख पाएंगे। तो अगर आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं तो आप इजिली चीज़ों को आंसर आउट भी कर पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही एडिटोरियल्स के साथ, आज के टॉपिक्स एडिटोरियल्स अच्छे आ रहे हैं, आप अपनी मेन्स की प्रिपरेशन फुल रेडी रखें। तो अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे
और एडिटोरियल्स के साथ।